भारत के वीर सपूतों, तुमको नमन हमारा है। शौर्य की गाथा से इतिहास लिखा तुम्हारा है। अपनी वीरता से तुमने चट्टानों को भी रौंद दिया। अवरोधक पद पर जितने आए पैरों तले कुचल दिया। अपने साहस का लोहा पूरे विश्व को मनवाया है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना लहू बहाया है। हिमालय की चोटी पर जीत का ध्वज फहराया है। दुश्मनों के गढ़ में जाकर तुमने उनको झुकाया है। अपने धार से तुमने गीदड़ों को रुलाया है। कश्मीर मांगने वालों के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाया है। भारत के वीर सपूतों, तुमको नमन हमारा है। भारत भूमि, हमारी भारत भूमि वीर सपूतों की भूमि रही है। यहाँ हर युग में वीर सपूतों ने अपने वतन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो या शिवाजी राजे या फिर भगत सिंह, इन सभी सपूतों ने समय समय पर अपना बलिदान देकर भारत की माटी को समृद्ध किया है और विश्व में ख्याति दिलाई है। दिस सिक्वेंस हैज रिमेंड अनब्रोकन इवन टूडे। आज भी हम देखते हैं कि ऐसे वीर सपूत जो अपने प्राणों की रक्षा किए बिना सीमा पर खड़े हुए हैं और भारत माँ की सेवा कर रहे हैं और अनचाही परिस्थितियों में भी अपना सर्वस्व बलिदान देकर भारत की सीमा पर डटे हुए हैं। In 2019, we got to see the bravery of Abhinandan Vardhaman when he enters the Pakistan border and responded to the cowardly actions of the enemies. And not only this, he enters the Pakistan border and fought with the enemies and came back to his homeland safely. And recently, the government of India has honored him with the Veer Chakra for his bravery. विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान भारतीय वीर सपूतों की इसी कड़ी में एक नया नाम है। उन्होंने अपने साहस व हौसले से वह कारनामा कर दिखाया कि उनके हौसले के सामने दुश्मनों की अत्याधुनिक तकनीक भी फेल हो गई। दिन था 27 फरवरी 2019 बुधवार सुबह 9:35। 20 पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा की ओर रुख किया। खबर लगते ही सतर्क भारतीय वायुसेना की तरफ से 3 सुखोई व 2 MiG-21 विमानों ने पाकिस्तानी विमानों को उसकी सीमा में खदेड़ दिया। लेकिन MiG-21 उड़ाने वाले MiG कमांडर अभिनंदन वर्धमान को केवल पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ कर सुकून नहीं मिला। उन्होंने अपने MiG-21 विमान के साथ पाकिस्तानी F-16 विमान को पाकिस्तान की सीमा में घुसकर नेस्तानाबूत कर दिया और अपने विमान में आई खराबी के चलते खुद भी पाकिस्तानी की सीमा में आपात लैंडिंग कर गए, जहां उन्होंने अपने साहस बुद्धि के दम पर परिस्थितियों का सामना किया। इसके पश्चात वैश्विक परिदृश्य में भारत के बढ़ते दबाव के कारण पाकिस्तानियों को अभिनंदन वर्धमान को भारत को सम्मान सहित समर्पित करना पड़ा। अभिनंदन वर्धमान के इसी साहस और पराक्रम के कारण इस वर्ष भारत सरकार ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। इस प्रकार इस वीर सपूत ने भारत की वीर गाथा में एक और नया नाम जोड़ दिया। धन्य है देश की मिट्टी और धन्य इस देश के वीर सपूत। जय हिंद।